जी वेरी गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, वेलकम बैक। सीपीसी का हम लोग सब्जेक्ट कर रहे हैं। वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड अबाउट द कंसेप्ट ऑफ रेस्ट सब्जुडाइज, ठीक है जी। पिछले लेक्चर में हमने सेक्शन 10 कवर किया है, दैट इज रेस्ट सब्जुडाइज द इम्पॉर्टेंट वन ऑल्सो। आज हम लोग इस लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे रेस्ट जुडिकाटा, सेक्शन 11 ऑफ सीपीसी, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट जो है आपके लिए, राइट, मेन पर्पज के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। रेस्ट जुडिकाटा जो है उसको आज हम लोग कंप्लीट करेंगे जितना हो सके। इसका जो रेस्ट जुडिकाटा जो पर्पस है, लॉ कहता है कि बेसिकली वन सूट एंड वन डिसीजन इज इनफ फॉर अ सिंगल डिस्प्यूट। लॉ कहता है कि डिस्प्यूट सिंगल है तो एक सूट फाइल करो और एक डिसीजन सफिशियंट है। एक डिस्प्यूट के लिए आप दो तीन केस तो ना फाइल करोगे सेम पार्टीज पे। तो ये पर्पस हमारा क्या है कि लॉ कहता है कि सिंगल डिस्प्यूट के लिए सिंगल सूट, सिंगल डिसीजन इज इनफ। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट हमारा प्रिंसिपल है सेक्शन 11 का रेस्ट जुडिकाटा के लिए रिगार्डिंग। लॉ कहता है कि अगर हमने पार्टीज को अलाउ कर दिया, आप सूट फाइल करते रहो, ठीक है, सॉरी, सूट फाइल करते रहो, कोर्ट डिसीजन देती रहेगी, आप दोबारा फिर सूट फाइल कर दो, कोर्ट फिर डिसीजन देती रहेगी सेम कॉज एंड ऑब्जेक्शन में, आप फिर सूट फाइल कर दो, फिर कोर्ट डिसीजन देगी, ये तो बेवकूफी है ना। लॉ कहता है सिंगल डिस्प्यूट के लिए कितनी बार आप केस करोगे, कितनी बार कोर्ट डिसीजन देगी, ऐसे तो कोई जो डिसीजन है वो फाइनल होगा ही नहीं। अब सेम सूट के डिस्प्यूट के रिगार्डिंग नंबर ऑफ सूट फाइल कर दोगे तो फाइनल क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। तो लॉ कहता है एक प्रिंसिपल रेस्ट जुडिकाटा का ये भी है, नीड टू गिव अ फाइनलिटी टू जुडिशियल डिसीजन, हमने जुडिशियल डिसीजन को फाइनल करना है, इसलिए रेस्ट जुडिकाटा का जो रूल है हमने अप्लाई कर दिया। सो इफ द रूल इज नॉट देयर, अगर ये रूल ऑफ फाइनलिटी इज नॉट देयर, अगर ये रेस्ट जुडिकाटा रूल अगर ना होता तो देयर विल बी नो एंड टू लिटिगेशन। प्लेंटिव ने जितने मर्जी सूट फाइल करने थे उसके पास राइट होता, फिर अगर हम रेस्ट जुडिकाटा ना डालते तो वो सूट फाइल करता रहता, तो यहाँ पे लिटिगेशन कम होनी नहीं थी, लिटिगेशन बढ़ती रहेगी। तो एक ये भी पर्पज हमारा है कि लिटिगेशन को कम करने के लिए हमने रेस्ट जुडिकाटा का रूल जो है वो हमने बनाया। अब बात आएगी रेस्ट जुडिकाटा, ये कंसेप्ट है। एज पर द लैंग्वेज इज कंसर्न, द बेरेट लैंग्वेज सेज नो कोर्ट शैल ट्राई एनी सूट, कोई भी कोर्ट सूट को ट्राई नहीं कर सकती और इशू या किसी इशू को भी ट्राई नहीं कर सकती। ये सबसे इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स के लिए, यहां पे इशू और सूट की बात की गई है। अगर एक सूट में नंबर ऑफ इशूज हैं, हम एक इशू की भी बात कर रहे हैं जहां पूरे सूट की बात कर रहे हैं, लॉ कहता है कि नो कोर्ट शैल ट्राई एनी सूट और इशू इन विच द मैटर डायरेक्टली और सब्सटेंशियली इन इशू हैज बीन डायरेक्टली सब्सटेंशियली इन इशू इन द फॉर्मर सूट। लॉ कहता है जो मैटर था, जो अपने सूट फाइल किया है, जो डायरेक्ट और सब्सटेंशियल मैटर था वो ऑलरेडी पहले वाले केस में भी सेम था, पहले आपने सूट फाइल किया था सेम पार्टीज पे और उसके बीच आपका जो डायरेक्टली सब्सटेंशियली जो था वो मैटर सेम था, सब्जेक्ट मैटर सेम था। तो लॉ कहता है कि कोर्ट शैल नॉट ट्राई द सब्सिक्वेंट सूट, अगर पहले ऑलरेडी केस डिसाइड हो चुका है उस सूट को लेके या उस इशू के लेके बिटवीन द सेम पार्टीज, यहां पर फिर इंपॉर्टेंट है बिटवीन द सेम पार्टीज अंडर हुम दे और एनी देम क्लेम, यहां पर वर्ड इंपॉर्टेंट लिखा है अंडर हुम, हमने इनको भी ऐड कर दिया। मीन्स अगर ए ने बी के साथ अगेंस्ट सूट फाइल किया था, राइट, उसके बाद ए के जो था उसके अगेंस्ट फैसला हो गया, लेकिन ए ने फिर से सूट फाइल कर दिया बी के लीगल एयर्स के अगेंस्ट, क्योंकि बी की डेथ हो चुकी थी तो बी के लीगल एयर्स को इन्वॉल्व कर दिया, लेकिन सब्जेक्ट मैटर सेम रखा। लॉ कहता है कि आप जिनसे क्लेम कर रहे हैं अगर वो रिप्रेजेंट कर रहा है तो भी रेस्ट जुडिकाटा अप्लाई होगा, तो भी कोर्ट सूट ट्रायल नहीं कर सकती। सो नो कोर्ट शैल ट्राई एनी सूट और इशू इन विच द मैटर डायरेक्टली और सब्सटेंशियली हैज ऑलरेडी बीन डिसाइडेड एंड दिस केस वो सेम पार्टीज के अंडर है, ठीक है, लिटिगेटिंग अंडर सेम टाइटल, ये भी इंपॉर्टेंट है, सेम टाइटल, दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, सेम टाइटल। रेस्ट जुडिकाटा में यही देखना आपने, सेम टाइटल,
अगर सेम टाइटल है रेजुडी कट अप्लाई कर दो, ठीक है। इन्हें कोर्ट कॉम्पिटेंट टू ट्राई सच सब्सिक्वेंट सूट। लॉ कहता है कि जो पहले वाली कोर्ट थी जिसने फैसला सुना दिया है, अगर दूसरा केस भी उसके अंदर डाला जाता तो वो केस पहले वाली फॉर्मर केस जो कोर्ट थी वो इसको भी डिसाइड करने का अधिकार रखती थी, ठीक है जी। दो सूट फाइल हैं, एक ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है। दूसरा जो केस है जो अभी डाला है, लॉ कहता है कि अगर वो जो सूट है अगर फॉर्मर कोर्ट में डाला जाता तो उसके पास जुरिस्डिक्शन थी, वो उसको डिसाइड कर सकती थी, उसको उसके ऊपर डिसीजन दे सकती थी। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि द कोर्ट कॉम्पिटेंट टू ट्राई सच सब्सिक्वेंट सूट, ठीक है, फॉर्मर वाली, और द सूट इन विच सच इशू हैज बीन सब्सिक्वेंटली रेज, जो आपने सब्सिक्वेंटली रेज किए हैं बाद में जो इश्यूज रेज किए हैं, हैज बीन हर्ड एंड फाइनली डिसाइडेड। वो इश्यूज ऑलरेडी हर्ड और फाइनली डिसाइड किए गए थे पहले वाली कोर्ट द्वारा। आपका जो मैटर इन डिस्प्यूट है वो ऑलरेडी हर्ड किया गया था, वो लिखा हर्ड एंड फाइनली डिसाइडेड। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फर्दर। तो हमारी पूरी बेल एक्ट लैंग्वेज में इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन से हैं? डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इशू मींस सब्जेक्ट मैटर की बात करें, टाइटल की बात कर रहे हैं, ठीक है, सेम टाइटल, सूट और इश्यूज एंड हर्ड एंड फाइनली डिसाइडेड, ये हमारे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो लॉ कहता है कि जो केस ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है फॉर्मर कोर्ट द्वारा, फॉर्मर कोर्ट कौन सी है, जिन्होंने पहले डिसीजन दिया था इसी सब्जेक्ट मैटर के रिगार्डिंग, इसी टाइटल पे, सेम बिटवीन सेम पार्टीज में, तो वो फैसला ही अप्लाई होगा, दूसरी कोर्ट उसको ट्रायल नहीं कर सकती। वर्ड लिखा है द कोर्ट शैल नॉट ट्राई द सूट, और दूसरी कोर्ट में अगर आपने दोबारा से फिर केस डाल दिया तो वो केस आपके सूट को डिसमिस कर देगी ऑन द ग्राउंड दैट द केस हैज ऑलरेडी बीन हर्ड एंड फाइनली डिसाइडेड बाय द फॉर्मर कोर्ट। पहले वाली कोर्ट ने आपके इस सूट को, आपके इस इशू को ऑलरेडी डिसाइड किया है। तो यहां पे इंपॉर्टेंट वर्ड है सूट और इशू। लॉ कहता है ये सूट जो आप लेके आए हो वो ऑलरेडी डिसाइड कर चुकी है, उस वहां पर हर्ड एंड फाइनली डिसाइड किया गया था, इस इशू को ऑलरेडी हर्ड एंड फाइनली डिसाइड किया गया था। तो यहां पर यह इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है जी। तो इसको हम लोग बाद में करेंगे, अभी फिलहाल जो कुछ प्रिंसिपल्स हैं जिनके बेसिस पे ये बनाया गया है उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। हमारे कुछ मीनिंग है, रेस मीन्स थिंग, जुडिकाटा मीन्स ऑलरेडी डिसाइडेड, ठीक है जी। थिंग्स हैज ऑलरेडी बीन डिसाइडेड, जो सूट आप लेके आए हो वो तो डिसाइड हो चुका है, पहले मैटर पहले वाले फॉर्मर कोर्ट ने उसको डिसाइड किया है, तो ये अप्लाई होगा रेस जुडिकाटा। लोग कहते हैं कि ऑलरेडी डिसाइड मैटर है, हम उसको दोबारा भी सुन सकते, कितनी बार सुनेंगे हम लोग, कितनी बार आप सूट फाइल करोगे, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। लॉ कहता है कि वन सूट एंड वन डिसीजन इज इनफ फॉर द सिंगल डिस्प्यूट, राइट। तो यहां पे दो प्रिंसिपल्स हैं हमारे, तीन प्रिंसिपल्स हैं जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ये पहला प्रिंसिपल हमारा, मैक्सिम क्या है, इंटरेस्ट रिपब्लिके अटसिट फिनिस लिटियम। ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये प्रिंसिपल्स के बेसिस पे ही सेक्शन 11 बनाया गया है। तो ये मैक्सिम है इंटरेस्ट रिपब्लिके अटसिट फिनिस लिटियम, ये नंबर ऑफ टाइम प्री में आ चुके हैं ये मैक्सिम जो हम लोग करेंगे आज। इसका मतलब है इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ स्टेट, स्टेट के जो इंटरेस्ट में है कि जो लिटिगेशन है वो खत्म होनी चाहिए। इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ स्टेट दैट देयर शुड बी एन एंड टू लिटिगेशन। स्टेट कहता है ये जरूरी है, स्टेट क्योंकि वेलफेयर स्टेट है तो वेलफेयर स्टेट के लिए ये जरूरी है कि एक पर्सन एक सूट फाइल करे। आप नंबर ऑफ टाइम्स डिफेंडर को तंग नहीं, हरास नहीं कर सकते, लॉ ये वेलफेयर स्टेट की है इसलिए वेलफेयर, तो यहां पे इंटरेस्ट जो है स्टेट का रखा गया है। तो इन द इंटरेस्ट ऑफ स्टेट देयर मस्ट बी एंड टू लिटिगेशन, लिटिगेशन खत्म होनी चाहिए, ये पहला स्टेट का पहला इंटरेस्ट है। देन दूसरा मैक्सिम,
ये भी इंपॉर्टेंट है। मैगजीन क्या है, न्यूमो डेप्ट बीर बक्सरी प्रो यूनो एट एडरन कॉजा, ये मैगजीन है। नो डाउट थोड़े से टेक्निकल टफ है याद करने के लिए, बट इसमें हमारे पास अदरवाइज कोई अल्टरनेटिव नहीं है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि प्री में पूछ ली जाती है डायरेक्ट, और मेन में अगर आप ये लिखोगे तो डेफिनेटली नंबर 6 मिलेंगे। तो पहला था इन द इंटरेस्ट ऑफ जो स्टेट है वो लिटिगेशन खत्म होनी चाहिए, और इसका जो मतलब है, इसका मतलब है नो वन शैल बी वेक्स्ड ट्वाइस ओवर द सेम कॉज ऑफ एक्शन। लॉ कहता है आप एक ही सेम कॉज ऑफ एक्शन को लेके किसी पर्सन को दो बार तंग नहीं कर सकते। आप एक बार तंग कर लो, आप कितनी बार तंग करते रहोगे। तो नो वन शैल बी वेक्स्ड ट्वाइस ओवर द सेम कॉज ऑफ एक्शन, इसका मतलब ये है। अब तीसरा एक और मैगजीन है, रेस जुडिकाटा प्रो वेरिटेट ऑक्यूपेटर, ठीक है जी। इस मैगजीन के अकॉर्डिंग लॉ कहता है, इसका मतलब क्या है, अ जुडिशियल डिसीजन मस्ट बी एक्सेप्टेड एज करेक्ट, ये इंपॉर्टेंट है। लॉ कहता है जुडिशियल डिसीजन मस्ट बी एक्सेप्टेड एज करेक्ट, आप उसको एक्सेप्ट करोगे कि वो सही है। अगर पार्टी अपील में नहीं आती, आपको लगता है कि वो डिसीजन गलत है, अगर अग्रीड पार्टी अपील नहीं करेगी तो लॉ कहता है कि आप उसको मान लोगे वो सही है आंसर, जो डिसीजन है वो सही है। तो इसका मतलब ये है कि आप दोबारा सूट फाइल नहीं कर सकते कि हाँ जी वो पहले वाली कोर्ट ने तो गलत डिसीजन दे दिया। लॉ कहता है अगर गलत है तो आप अपील में चले जाते, आप सूट फाइल नहीं कर सकते। तो यहां पर इसका मतलब ये है कि जुडिशियल डिसीजन मस्ट बी एक्सेप्टेड एज करेक्ट, आप उसको मान के चलोगे वो सही है और सही ही मान के चलोगे, ठीक है जी। देन जो रूल ऑफ रेस जुडिकाटा है सेक्शन 11 के अंडर वुड अप्लाई टू ऑल जुडिशियल प्रोसीडिंग, ये काफी इंपॉर्टेंट है, प्री पॉइंट ऑफ व्यू काफी बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। पहली बात, जो रेस जुडिकाटा है वो जुडिशियल प्रोसीडिंग पे अप्लाई होगा, लेकिन क्या एडमिनिस्ट्रेटिव में या अदरवाइज ट्रिब्यूनल में या आर्बिट्रेशन में या इंडस्ट्रियल एडजुडिकेशन अगर करती है क्या वहां पर अप्लाई नहीं होगा? अगर वहां पर अप्लाई नहीं होगा तो गलत बात है। सिर्फ कोर्ट में तंग नहीं कर सकते, बाहर जितनी बार मर्जी आप सूट फाइल कर दो, बाहर जितनी बार मर्जी आप तंग कर लो, ये तो गलत है। तो लॉयर कहता है कि रेस जुडिकाटा का जो रूल है इट वुड अप्लाई टू ऑल जुडिशियल प्रोसीडिंग, चाहे वो सिविल है चाहे वो क्रिमिनल है, चाहे वो सिविल है चाहे वो क्रिमिनल है। सेक्शन 300 ऑफ सीआरपीसी, आप दोबारा सूट फाइल नहीं कर सकते, ठीक है जी। डबल जुपर्टी का कॉन्सेप्ट है जो संविधान में है आर्टिकल 20 में, आप दोबारा 10,000 नहीं दे सकते एक पर्सन को, ठीक है। सेम कॉज ऑफ एक्शन के रिगार्डिंग अगर सेम जो उसने क्राइम किया उसकी दो बार सजा नहीं दे सकते तो वो रेस जुडिकाटा हुआ और क्या हुआ। सेक्शन 300 ऑफ सीआरपीसी वो भी तो रेस जुडिकाटा का डील करता है कि आप दोबारा दोबारा एक पर्सन को सजा नहीं दे सकते एक ही कॉज ऑफ एक्शन को लेके, एक ही क्राइम के रिगार्डिंग लेके। तो 11 भी वो कह रहा है, तो ये सिविल के और क्रिमिनल दोनों प्रोसीडिंग, जुडिशियल प्रोसीडिंग, सिविल कोर्ट की सिविल प्रोसीडिंग, कोर्ट की जुडिशियल प्रोसीडिंग, दोनों पे रेस जुडिकाटा अप्लाई होगा। एंड इट ऑल्सो अप्लाई टू आर्बिट्रेशन, टैक्सेशन एंड इंडस्ट्रियल एडजुडिकेशन, मीन जो ट्रिब्यूनल बनाए गए हमारे उन पे भी सेम अप्लाई होगा। ये इंपॉर्टेंट फर्दर है दैट इट इक्वली अप्लाई टू क्वासी जुडिशियल प्रोसीडिंग, ये क्वासी जुडिशियल प्रोसीडिंग पे भी अप्लाई होगा। ट्रिब्यूनल्स हमारे हो गए, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स हो गए, ठीक है जी। और ये इंपॉर्टेंट है, ये इंटरिम ऑर्डर पे भी अप्लाई होगा। आप एक सूट में एक चीज को लेके दो बार इंटरिम ऑर्डर नहीं ले सकते, ठीक है जी। तो इंटरिम ऑर्डर, इसलिए वहां पे वर्ड मैंने यूज किया था बेर एट लेंथ में, सूट और इशू। अब इशू को अगर डिसाइड हो जाएगा उसके रिगार्डिंग इंटरिम ऑर्डर दोबारा से फिर से नहीं ले सकते, ठीक है जी। तो ये इंपॉर्टेंट है। देन वी हैव अ इंपॉर्टेंट केस ओवर हियर, ये वाला लीडिंग केस है डचेस ऑफ किंगस्टन केस, ठीक है।
इस केस में हेल्ड किया डेटा जजमेंट ऑफ ए कोर्ट ऑफ कॉन्करेंट जुरिडिक्शन, यहां पे भी जुरिडिक्शन बनती है कोर्ट की, वहां पे भी जुरिडिक्शन बनती है, दोनों कोर्ट की जुरिडिक्शन है इस मैटर को डिसाइड करने की। लॉ कहता है द जजमेंट ऑफ ए कोर्ट ऑफ कॉन्करेंट जुरिडिक्शन डायरेक्टली स्पीकिंग ऑन द पॉइंट मींस इशू या सूट, सब्जेक्ट मैटर की बात कर रहा हूं, एज प्ली अ बार और एज एविडेंस कंक्लूसिव बिटवीन द सेम पार्टीज अपॉन द सेम मैटर डायरेक्टली इन क्वेश्चन इन अदर कोर्ट। लॉ कहता है कि अगर एक पर्सन ने सूट फाइल कर रखा है और वो सूट डिसाइड कर चुकी है कोर्ट, किसी इशू को डिसाइड कर चुकी है, उस सब्जेक्ट मैटर को डिसाइड कर चुकी है, तो दूसरी कॉन्करेंट जुरिडिक्शन जो कोर्ट है लाइक दूसरी जेएमआईसी कोर्ट है, मीन्स वो पैरेलल हुई कोर्ट्स, तो आप दूसरी जगह पे सूट फाइल नहीं कर सकते क्योंकि वो जो डिसीजन है ऑलरेडी कोर्ट ने दिया हुआ है और फाइनली हर्ड करके ऑन मेरिट बेस पे डिसीजन दिया हुआ है, तो ये इसलिए रेस जुडिकाटा अप्लाई हुआ। फर्दर कोर्ट ने क्या हेल्ड किया, जजमेंट ऑफ ए कोर्ट ऑफ एक्सक्लूसिव जुरिडिक्शन, जो स्पेशल कोर्ट होती है एक्सक्लूसिव जुरिडिक्शन है उसके पास, अपॉन द डायरेक्टली ऑन द पॉइंट इज लाइक मैनर कंक्लूसिव अपॉन द सेम पार्टीज बिटवीन द सेम पार्टीज कमिंग इंसिडेंटली इन क्वेश्चन इन अदर कोर्ट फॉर अ डिफरेंट पर्पस। लॉ कहता है स्पेशल कोर्ट बनाई हुई है हमारी, नंबर ऑफ एक्सक्लूसिव जुरिडिक्शन की कोर्ट है, लाइक जो 138 जो 138 के केसेस होते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के, उनकी सेपरेट स्पेशल कोर्ट बनाई हुई है, फैमिली कोर्ट से पेपर बनाई हुई है, तो ऑलरेडी जो मैटर डिसाइड हो चुका है आप दूसरी स्पेशल कोर्ट में जाके उस मैटर को दोबारा से सूट फाइल नहीं कर सकते। लॉ कहता है कि वो ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है, इसलिए इस पे रेस जुडिकाटा अप्लाई होगा ही होगा। देन वी हैव अ इंपॉर्टेंट फर्दर चीज जो हमारे लिए है, कंडीशंस। ये हमारी कंडीशन है जी रेस जुडिकाटा के रिगार्डिंग। जो पहली कंडीशन है मैटर की हम बात कर रहे हैं, राइट, मैटर वो डायरेक्टली और सब्सटेंशियली इन इश्यू होना चाहिए सेम पार्टीज में, मींस सेम डिस्प्यूट पहले हो चुका है उसको डिसाइड कर चुकी है कोर्ट, और जो अब मैटर लेके आए हो सब्सिक्वेंट सूट में वो मैटर डायरेक्टली कहीं ना कहीं सेम है जो पहले वाली फॉर्मर सूट के साथ, वो सब्सटेंशियली इन इश्यू है, वो ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है, तो आप दोबारा सूट फाइल नहीं कर सकते, सेम पार्टीज होने चाहिए, जो पहले वाली फॉर्मर कोर्ट है वो कॉम्पिटेंट होनी चाहिए कि अगर सब्सिक्वेंट सूट भी मेरे पास फाइल किया होता तो मैं उसके ऊपर भी डिसीजन दे सकती थी। फोर्थ, वो जो पहले वाला कोर्ट है हमारी फॉर्मर कोर्ट है, उस फॉर्मर कोर्ट ने ऑन मेरिट बेसिस पे दोनों पार्टी को हर्ड किया है, दोनों पार्टी को सुना है और फाइनली डिसाइड किया है उस मैटर को, तो ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है जी, क्योंकि इन कंडीशंस को जो है हम लोग डिटेल में कल करेंगे, आज मैं इनको नहीं करवाऊंगा क्योंकि आज एक और चीज करवाने की जरूरत है आपको, ठीक है जी, वो हम लोग करेंगे, तो ये कंडीशंस हम लोग कल डिटेल काफी डिटेल में करेंगे कल, ताकि आपको पता लग जाए, इसको थोड़ा सा इंटरप्रिटेशन हम लोग कर लें आज। मैंने आपको कहा था सूट और इशू की बात की थी जब हम डायरेक्ट लैंग्वेज कर रहे थे, ठीक है जी,
ये सिविल प्रोसेस है हमारे लिए। मैंने जब आपको सूट के रिगार्डिंग हमने किया था कि सूट क्या होता है, ठीक है, उसकी जो हमने एलिमेंट्स किए थे सूट के रिगार्डिंग, मैंने आपको वहां पे बताया था कि जो कोर्ट में जब प्लेन फाइल होती है, डिफेंडेंट रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करता है, तो वहां पे कोर्ट इशू क्रिएट कर देती है कि अब इसी इशू के रिगार्डिंग हमने एविडेंस आपको देने पड़ेंगे और इसी इशू को मैंने डिसाइड करना है। इशू मीन्स द डिस्प्यूट बिटवीन द पार्टीज। वो पॉइंट कौन से हैं जो कोर्ट ने डिटरमाइन करने हैं, वो पॉइंट्स ही कोर्ट सेपरेट निकाल लेती है, जिसको हम इश्यूज बोलते हैं, फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज बोलते हैं। तो यहाँ पे ये सिचुएशन पहली है, ये सिचुएशन सेकंड है। पहली सिचुएशन में क्या हुआ, ए के अगेंस्ट बी, ए ने बी के अगेंस्ट सूट फाइल कर दिया जो डिसाइड था। बाद में सेम ए और बी, ए के ए ने फिर बी के अगेंस्ट सूट फाइल कर दिया। लॉ कहता है कि पहले वाली सूट और दूसरे वाली सूट में जितने भी इश्यूज थे वो सेम थे, वो कॉमन थे। पहले वाली कोर्ट जो जिसने डिसाइड कर दिया, वहां पे जो इश्यूज थे जो कोर्ट ने डिटरमाइन किए हैं, डिसाइड किए हैं, वो सेम इश्यू के रिगार्डिंग कोर्ट ने उसी इस पार्टी ने दोबारा सूट फाइल कर दिया। लोग कहते हैं कि सेम इश्यूज हैं, रेस जुडिकेटा अप्लाई हो गई हुआ। दूसरी सिचुएशन जहां पे लॉ कहता है कि सिर्फ दो इश्यू सेम है, बाकी सारे इश्यूज डिफरेंट है। कोर्ट ने छह इश्यूज डिटरमाइन किए, कोर्ट ने कहा ये छह पॉइंट है जहां पे डिस्प्यूट है आपके, और छह पॉइंट्स के लेके आप जो है एविडेंस लेके आओ। लॉ कहता है कि जो दूसरा सूट फाइल किया वहां पे और पहले वाले कोर्ट जो सूट था वहां पर सिर्फ दो इश्यूज ऑलरेडी डिसाइड हो चुके हैं, बाकी ये नहीं हुए। लॉ कहता है कि जो दो इश्यूज है ना, इस पर रेस जुडिकेटा अप्लाई कर दो, क्योंकि ये तो ऑलरेडी डिसाइड हो चुके हैं, इस इश्यू को हम लोग दोबारा नहीं सुनेंगे, केस चलता रहेगा लेकिन ये इश्यूज हम नहीं सुनेंगे, इस पर रेस जुडिकेटा अप्लाई कर दो, ठीक है जी। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि टाइटल क्या होता है, काफी डीप में डिस्कस किया है टाइटल क्या होता है, कॉज ऑफ एक्शन क्या है, मैटरिंग इशू क्या है, राइट, ऑलरेडी हम लोग डिसाइड कर चुके हैं। लेकिन आप आज फिर मैं एक बार इसको रिपीट कर देता हूँ, टाइटल क्या है। टाइटल मीन्स द लीगल कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज, वो किस कैपेसिटी में कोर्ट में आ रहे हैं, क्या वो ऑनर के आ रहे हैं, क्या वो टीनेंट है, क्या वो मॉर्टगेजर है, क्या वो मॉर्टगेजी है, क्या वो लेसर है, लेसी है, किस कैपेसिटी के अंडर वो कोर्ट में आ रहे हैं, वो होता है उसका टाइटल, ठीक है। तो टाइटल मीन्स इज अ लीगल कैपेसिटी और द लीगल स्टेटस ऑफ द पार्टीज टू अ सूट इन रेफरेंस टू अ सब्जेक्ट मैटर, सब्जेक्ट मैटर के रिगार्डिंग पार्टी का कैपेसिटी वो है कौन, किस बिहाव से वो सूट फाइल कर रहे हैं, ठीक है जी। तो यहां पे हमारे पास काफी चीजें अलग अलग होती हैं। पहला तो हमारा कॉज ऑफ एक्शन होगा, ठीक है जी। दूसरा हम लोग टाइटल की बात करें, जो अभी हमने किया है, ये तीन पॉइंट आपको समझने जरूरी हैं। कॉज ऑफ एक्शन क्या है, टाइटल क्या है, मैटर इन इश्यू है क्या। तो टाइटल तो हमने कर लिया कि पार्टीज की कैपेसिटी, किस कैपेसिटी से वो आ रहे हैं। कोई कह रहा है जी मैं तो इसका बेटा हूं जी, इसलिए आ रहा हूं कि ये मैं मालिक हूं, उसकी डेथ के बाद मैं मालिक हूं, आई एम द ऑनर थ्रू सक्सेशन, क्योंकि उसके मरने के बाद सक्सेशन मुझे आना है, प्रॉपर्टी मुझे आनी है। तो वहां पर टाइटल क्या हुआ, ऑनर। कोई मॉर्टगेजर है, वो कह रहा जी मैंने अपनी प्रॉपर्टी मॉर्टगेज की थी, तो वहां पे कैपेसिटी क्या है, किस कैपेसिटी में आ रहा है वो कोर्ट में, मॉर्टगेजर की कैपेसिटी में आ रहा है। दूसरी पार्टी किस कैपेसिटी में आ रही है, मॉर्टगेजर की कैपेसिटी में आ रही है। तो दोनों पार्टी होगी ना, एक मॉर्टगेजर की कैपेसिटी, एक मॉर्टगेजर की कैपेसिटी, एक लेसर और एक लेसी, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट है टाइटल। देन कॉज ऑफ एक्शन बेसिकली हम बात करें, एग्जिस्टेंस ऑफ लीगल राइट एंड वायलेशन ऑफ लीगल राइट। लीगल राइट मैंने आपको पहले ही बताया था, लीगल राइट एंड इट्स वायलेशन, यही होगा ना कॉज ऑफ एक्शन। डिस्प्यूट क्या है आपका, यही डिस्प्यूट है कि मेरा लीगल राइट वायलेट किया जी इसने, मेरा लीगल राइट था इसलिए वायलेशन हुई है। मैंने आपको पहले कहा कि नॉन लीगल राइट्स जो है उसके लिए कोई सिविल नेचर का सूट नहीं है, हमने सेक्शन 9 में काफी डीप किया इसको, सिविल नेचर का सूट नहीं माना जाए जो नॉन लीगल राइट्स के रिगार्डिंग, सिर्फ लीगल राइट्स के रिगार्डिंग ही ओबीजेस ईबी रेवेन्यू का कांसेप्ट हमने अप्लाई किया है,
अगर लीगल राइट वायलेट हुआ तो भी आपको रेमेडी मिलेगी, ओनली इन केस ऑफ लीगल राइट तो उसकी वायलेशन हुई तभी वो कॉज ऑफ एक्शन, अदरवाइज कॉज ऑफ एक्शन नहीं है। टाइटल मींस द कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज, किस कैपेसिटी में वो आ रहे हैं। मैटेरियल इश्यू क्या है, फैक्ट्स और प्रोसेस थ्रू विच टाइटल और राइट इज रिक्वायर्ड। वो तथ्य वो प्रोसेस थ्रू विच टाइटल और लीगल राइट इज अक्वायर्ड। आप अक्वायर्ड कैसे कर रहे हो, आपके पास कैसे आ रहा है वो, थ्रू सक्सेशन। मालिक हूं जी मैं, टाइटल क्या है मालिक, मेरे फादर की डेथ होने के बाद वो प्रॉपर्टी मुझे आनी थी, आपका राइट कैसे अक्वायर हो रहा है, थ्रू सक्सेशन। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी, इसको आप आराम से कर लेना। यहाँ पे थोड़े से और कंसेप्ट मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूं, क्योंकि यहाँ पे कंसेप्ट आपका क्लियर होना बहुत जरूरी है। नाउ ठीक है जी, टाइटल सब्जेक्ट मैटर मैटर एंड इशू एंड द कॉज ऑफ एक्शन, ये चार चीजें हैं। आपको चारों को चारों आपको पता होना चाहिए, मैटर एंड इशू वगैरह सब कुछ। क्वेश्चन है उसके बाद हम लोग उसको डिवाइड कर देंगे। क्वेश्चन पहले सुन लो, क्वेश्चन क्या है, ए ग्रांट अ लीज ऑफ पीस ऑफ लैंड, ए ने एक पीस ऑफ लैंड किराए पे दे दी, लीज पे दे दी बी को फॉर ए पीरियड, सपोज 1 ईयर 2 ईयर राइट, जब 3 मंथ के लिए दे दी, एंड अपॉन कंप्लीशन ऑफ लीज पीरियड, जब लीज पीरियड खत्म हो गया, ए ने सूट फाइल कर दिया एविक्शन के रिगार्डिंग, एविक्शन मतलब उसको बाहर निकालना, ठीक है, बी को कहोगी मेरी जगह खाली कर दे, एविक्शन के रिगार्डिंग ए ने सूट फाइल कर दिया, द सूट इज डिसमिस, क्योंकि ए प्रूफ ही नहीं कर पाया कि मैंने उसको लीज पे दी है, उसके पास एविडेंस ही नहीं थे, राइट, द सूट इज डिसमिस ऑन द ग्राउंड दैट लीज वॉज नॉट प्रूव, आपने उसको किराए पे दिया, लीज पे दिए 3 मंथ के लिए, वो ए प्रूफ ही नहीं कर पाया, ए ने दोबारा फिर सूट फाइल कर दिया, सब्सिक्वेंटली ए अगेन फाइल अ सूट फॉर द रिकवरी ऑफ पोजेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ बीइंग अ ट्रेसपासर, वो कहता बी जो ट्रेसपासर है, मैं तो ऑनर हूं, बी ट्रेसपासर है, अब तो सूट दे दो, अब तो अलाउ कर दो, अब तो बी जो मेरी प्रॉपर्टी वापस कर दो, हमें 2 सूट हो गए, तो दोनों के हम लोग डिसाइड करेंगे, सूट 1 सूट 2, ठीक है जी, सूट 1 में दोनों पार्टी की कैपेसिटी क्या थी, ये इंपॉर्टेंट है, एक था लेसर, दूसरा क्या था लेसी, एक मालिक था जिसने लीज पे दिया उसको हम लेसर बोलते हैं, और जिसको लीज पे दिया उसको लेसी बोलते हैं, ठीक है जी। अब सब्जेक्ट मैटर क्या है, वो घर प्रॉपर्टी है ना, घर जो है वो डिस्प्यूटेड है, ठीक है जी। अब मैटेरियल इश्यू क्या है, डीड, लीज डीड, यही साबित करनी है ना आपको, लीज डीड मैंने लीज पे दी थी, ये डीड है जी, ये लीज डीड मैटर एंड इश्यू है, अगर ये डिसाइड होगी तो टाइटल ऑटोमेटिकली डिसाइड हो जाएगा। सब्जेक्ट मैटर क्या, उस घर का जो किराए पे दिया है, ठीक है, समझ लग गई। अब दूसरा कॉज ऑफ एक्शन क्या है, आपने क्यों सूट फाइल किया है, एविक्शन के रिगार्डिंग, उसको बाहर निकालना है, राइट टू एविक्ट, कॉज ऑफ एक्शन यही है ना, ए ने सबसे पहले सूट फाइल क्यों किया, क्या किया कि टाइम पीरियड खत्म हो गया जी, अब इसको बाहर निकाल दो, तो कॉज ऑफ एक्शन क्या है, राइट टू एविक्ट एंड द वायलेशन ऑफ डेट राइट। इसको बस सब समझ लो बस, और कुछ नहीं है। पहले सूट में ये था लेसर लेसी थी, ये टाइटल था, सब्जेक्ट मैटर क्या था, वो घर था, मैटर एंड इश्यू क्या था, वो डीड थी, जो आपने डीड बनाई है, लिख्त की है जो आपने,
किराए पे देने के लिए 3 दिन 3 मंथ के लिए आपने दे दी, लेकिन वो अपने वो लेटर में लिख लिया तो वो डीड ही आपने आपके लिए इंपॉर्टेंट, आप सिर्फ इसी को प्रूव करोगे। कॉन्जर्वेशन क्या है, आपने उसको इवेक्ट करवाना है बस। कॉन्जर्वेशन ये कि इसको बाहर निकाल दो, ये बाहर निकल ही नहीं रहा तो उसको बाहर निकाल दो, मेरा राइट लीगल राइट वायलेट हो रहा है, मैं अपनी प्रॉपर्टी इंजॉय नहीं कर सकता। तो ये सूट वन में ये है। अब सूट टू उसने क्या किया था, ट्रेसपासर के रिगार्डिंग, कि वो तो ट्रेसपासर है। अब तो ये तो फेल हो गया, सूट डिसमिस हो गया, उसने दोबारा सूट फाइल किया, किस कैपेसिटी में किया वो इंपॉर्टेंट है। दूसरा कैपेसिटी क्या थी उसकी, ऑनरशिप, दूसरी अब ये है जी। सेकंड सूट में क्या था, सेकंड सूट में वो कह रहा है मैं मालिक हूं, पहले तो चला फेल हो गया, उसने कहा मैं मालिक हूं, मैंने किराए पे दिया है, तो यहां पर लेसर और लेसी की कैपेसिटी आ गई। अब दूसरा क्या कह रहा है, मैं तो मालिक हूं, ये तो स्ट्रेंजर पर्सन था, मेरी जमीन में जबरदस्ती आ गया, तो वो ट्रेसपासर हुआ ना दूसरी पार्टी। तो किस कैपेसिटी में आ रहे दोनों पार्टी, पहला ऑनरशिप आ रहा है और दूसरा ट्रेसपासर है, ये ट्रेसपासर है, डायरेक्ट मैटर तो सेम रहेगा, यहां पर मैटर एंड इश्यू कुछ भी नहीं है, ठीक है। कॉन्जर्वेशन क्या है, राइट टू पोजेशन, आपको सिर्फ पोजेशन चाहिए, रोड़ा इस बात का है, डिस्प्यूट इस बात का है, मुझे पोजेशन चाहिए अपना, यहां पे क्या था एविक्शन का राइट था। कॉन्जर्वेशन क्या था, इसको बाहर निकालो, अब यहां पे क्या है कि मुझे मेरा मेरी प्रॉपर्टी मुझे दो, मुझे पोजेशन मेरा वापस दो, तो ये दोनों टाइटल डिफरेंट है, ठीक है जी। हमने क्या कहा था, जहां टाइटल सेम होंगे वहां पे रेस जुडिकेट अप्लाई होगा, यहां पे टाइटल क्या है, दोनों दोनों डिफरेंट है, यहां पे रेस जुडिकेट विल नॉट अप्लाई, ठीक है, बिकॉज द टाइटल्स आर टोटली डिफरेंट, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको समझना। देन वी हैव अनदर केस, दोबारा एक और केस आपको करवा रहा हूं, ठीक है, थोड़ा लेंथी हो जाएगा लेक्चर लेकिन आपको इजी आपके लिए। सेकंड जो प्रॉब्लम है, द प्रॉपर्टी ऑफ मथ, ठीक है, मथ जो था वो उसकी प्रॉपर्टी थी, इज ऑक्यूपाइड बाय वाई, वाई की ऑक्यूपेशन में थी, वाई का पोजेशन था उसमें, एंड महंत ऑफ द मथ इज डाइड, महंत की डेथ हो गई, देयर आफ्टर ए जो महंत का बेटा था उसने सूट फाइल कर दिया क्लेमिंग व्हाट, द पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी ऑन द ग्राउंड ऑफ ऑनरशिप। वो कह रहा है मेरे फादर के डेथ के बाद वो सब मथ की जो सारी प्रॉपर्टी थी वो मैं उसका मालिक हूं, मुझे उसकी प्रॉपर्टी मेरी वापस दे दो, मेरी ऑनरशिप डिक्लेयर कर दो। सूट डिसमिस हो गया ऑन द ग्राउंड कि प्रॉपर्टी डिड नॉट बिलोंग टू महंत और टू ए, लॉ कहता है कि वो तो प्रॉपर्टी महंत की थी नहीं, आप ऑनरशिप प्रूफ नहीं कर पाए, तो इसलिए वो सूट डिसमिस हो गया, ठीक है जी। देन अगेन ए फाइल द सूट, ए ने दोबारा फिर सूट फाइल किया, महंत के बेटे ने दोबारा फिर सूट फाइल किया, उसने कहा कि बेसिकली मैं तो मथ का मैनेजर हूं, वो ट्रस्ट है, मैं मैनेजर हूं और मुझे ट्रस्ट चलाने की अनुमति दी जाए और ये प्रॉपर्टी मुझे दी जाए। दो सूट फाइल हो गए, पहला वाला डिसमिस हो गया, दोनों को हमने देखा कि प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग टाइटल क्या था, ठीक है जी। पहले में वो ऑनरशिप डिमांड कर रहा था, राइट, सब्जेक्ट मैटर तो वो प्रॉपर्टी होगी, मथ की प्रॉपर्टी सब्जेक्ट मैटर है, ठीक है। यहां पे क्या था, वो डिमांड कर रहा था कि मेरे फादर की डेथ के बाद वो प्रॉपर्टी मेरे नाम पे होनी चाहिए, क्योंकि वो प्रॉपर्टी मेरे फादर की थी, तो वो सक्सेशन क्लेम कर रहा है ना, किसी बाद मेरी आनी चाहिए, यहां पे मैटर इन इश्यू क्या, सक्सेशन, ठीक है जी। अब कॉज ऑफ एक्शन क्या है, राइट टू पोजेशन, यही है ना कॉन्जर्वेशन, पोजेशन, वो डिमांड कर रहा था कि मुझे पोजेशन दो, दूसरा मना कर रहा था कि क्यों दूं भाई, आप कौन सा मालिक हो, तो वो यहां पे कॉन्जर्वेशन राइज हो गया, तो पोजेशन के रिगार्डिंग झगड़ा होगा, ठीक है। ये तो था पहला सूट जो हो गया डिसमिस, क्योंकि यहां पर जो मथ का बेटा था, महंत का बेटा था, वो इस सक्सेशन को साबित नहीं कर पाया, वो अपने फादर की ऑनरशिप नहीं साबित कर पाया कि वो मालिक था, इसलिए इसका सूट हो गया डिसमिस। अब जो दूसरा सूट फाइल किया है, ठीक है जी, दूसरा सूट फाइल किया उसने एज ए मैनेजर किया है, वो किस कैपेसिटी में किया है, वो एज ए मैनेजर,
कि मैं तो मैनेजर हूँ जी, मत्स्य है वो एक ट्रस्ट है, और मेरे फादर जो थे वो ट्रस्टी थे, उसके बाद वो उसकी डेथ के बाद मैं ट्रस्ट जो है मैं एज ए मैनेजर हूँ। तो वो एज ए मैनेजर की कैपेसिटी में आ गया, प्रॉपर्टी डिस्प्यूटेड सेम है, ठीक है जी। अब मैटरिंग इश्यू क्या है, ऑफिस ऑफ ट्रस्ट, ठीक है जी। अब कॉज ऑफ एक्शन फिर सेम ही है, राइट टू बी एक्शन डिनायल। तो यहां पे टाइटल देख लो जी, एज ए ऑनरशिप आ रहा है, और दूसरे केस में वो एज ए मैनेजर आ रहा है, ठीक है। लॉ कहता है कि रेजुडिकेट अप्लाई नहीं हो सकता, क्योंकि टाइटल हमें सेम चाहिए, टाइटल हमें सेम चाहिए, इसलिए रेजुडिकेट एज ए जनरल रूल अप्लाई नहीं होगा। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द कंस्ट्रक्टिव रेजुडिकेट, कंस्ट्रक्टिव रेजुडिकेट जो नया कंसेप्ट है वो हम लोग बाद में करेंगे, एट द एंड करेंगे, फिलहाल हम लोग जनरल कर रहे हैं कि रेजुडिकेट जनरल सिंपल। तो लॉ कहता है यहां पर रेजुडिकेट अप्लाई हो ही नहीं सकता, पहला केस उसने एज ए ऑनरशिप किया था, दूसरा उसने एज ए मैनेजर किया था, कैपेसिटी ही डिफरेंट डिफरेंट है। अगर वो डिफरेंट डिफरेंट कैपेसिटी में कोर्ट में आ रहा है तो वो दोनों सूट चलेंगे चलेंगे, उसमें रेजुडिकेट का कंसेप्ट अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट लेक्चर ऑन द रेजुडिकेट। कल हम लोग उसके एलिमेंट्स ऑफ रेजुडिकेट करेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट है, और कल हम ट्राई करेंगे रेजुडिकेट सारा हम लोग कंसेप्ट खत्म करके, ठीक है जी। सो टिल देन थैंक यू सो मच, सत श्री अकाल।